हाँ जी बताना, आवाज आ रही है कि नहीं? एक बार जल्दी से बता दो, आवाज आ रही है कि नहीं? चलिए, तो आपका क्लास फिफ्थ एससीईआरटी में टोटल आपके, ठीक है, कितने टॉपिक्स है? टोटल आपके 22 टॉपिक है। पहले मैं जो इम्पोर्टेंट है वो सारे कवर करवा दे रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आपके कितने, 21 चैप्टर है, ठीक है। तो पहले सारे के सारे में इम्पोर्टेंट वाले कवर करवा दे रहा हूँ, ठीक है, और दो दिन के अंदर अंदर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मी राउट डाउन द टॉपिक फर्स्ट।
कौन कौन से टॉपिक है। एक में रुकना, चलिए तो टॉपिक के नाम है आपके खेल बीजों का बिखरना ठीक है, मेरा बगीचा ऐतिहासिक स्मारक ठीक है, सिंचाई के साधन जितना खाओ उतना पकाओ रॉस की जंग मलेरिया के संग ठीक है, मैंने नक्शा बनाया हमारी फसलें हमारा खान पान, हमारी फसलें हमारा खान पान ठीक है, जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण, जंतु जगत सुरक्षा एवं संरक्षण मान गए लोहा पानी और हम सन एक कार्य अनेक सूर्य एक कार्य अनेक हमारा जंगल पटना से नाथुला की यात्रा, पटना से नाथुला की यात्रा हमारा जंगल चलो सर्वे करें रामू काका की दुकान ठीक है, कई तरह के उद्योग रायपुर के चाचा की शादी और आपका जब लक्की को बुखार आया क्लियर। तो ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स है, ये सब चैप्टर के नाम है क्या? हाँ जी, ये सब चैप्टर के नाम है। हिंदी का बुक है सर? किस चीज का हिंदी का बुक है बेटा? एससीईआरटी की साइट पे जाओ, सारी बुकें हैं जो चाहिए तुम्हें।
अब देखो इसमें आधी से ज्यादा जो कहानियां हैं ठीक है वो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, जैसे कि जब लक्की को बुखार आया और ये वाला रॉस की जंग मलेरिया के संग, ये दोनों ही कहानी आपकी किसके ऊपर है ठीक है, जब लक्की को बुखार आया और रॉस की जंग मलेरिया के संग, ये दोनों ही कहानी आपका किस पे बात करती है ठीक है, मलेरिया पे बात करती है। मलेरिया के बारे में आप काफी सारी इंफॉर्मेशन जान चुके हो ठीक है। तबीयत कैसी है सर? ठीक है, तबीयत इज क्वाइट ओके ओके। तो मलेरिया के बारे में आपने क्या जाना है अभी तक? ठीक है, ये एक परजीवी रोग है, प्रोटोजोअल डिजीज है। इसका जो परजीव होता है, इसका जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है आपका कौन? प्लाज्मोडियम। और इसका जो वाहक होती है ठीक है, इसकी जो वेक्टर होती है वो होती है आपकी फीमेल मॉस्किटो, मादा मच्छर, एनोफिलीस, मादा एनोफिलीस मच्छर। फिर इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो मच्छर होते हैं ठीक है वो आपके कईयों सारे रोग फैला सकते हैं ठीक है। तो मच्छरों द्वारा होने वाले रोग, मच्छर द्वारा होने वाले रोग ठीक है, तो मच्छर द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? डेंगू, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, फिलेरिया जिसे आप हाथी पांव भी बोलते हो, फिर पीला बुखार और जापानी एनसेफेलाइटिस। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके मच्छर द्वारा होने वाले रोग है ठीक है, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलेरिया, पीला बुखार, जापानी एनसेफेलाइटिस एज वेल एज आपका मलेरिया ठीक है। कौन कौन से आपके ये रोग कर कर रहे हैं? तो यहां लिखना मच्छरों का नाम और यहां लिखना रोग। तो अगर मच्छर है आपका कौन सा? एनोफिलीस ठीक है, तो रोग होगा कौन सा? मलेरिया ठीक है। अगर मच्छर है आपका क्यूलेक्स, और मच्छर कौन सा आपका? क्यूलेक्स है, तो ये रोग होगा आपका कौन सा? दैट इज फिलेरिया, या फिर आप इसी को हाथी पांव बोलते हो, एलिफेंटियासिस बोलते हो। ठीक है, और अगर मच्छर होगा आपका क्या ठीक है, दैट इज एडीज, या फिर टाइगर मच्छर भी बोलते हैं इसे हम, तो आपके रोग होंगे कौन कौन से? या तो हो जाएगा डेंगू, या फिर हो जाएगा चिकनगुनिया, या फिर हो जाएगा आपका पीला बुखार, या फिर हो जाएगा आपका जापानी एनसेफेलाइटिस। क्लियर है? अच्छा, तुम में से किसी ने ठीक है एप्लीकेशन पे एक डाउट पूछा है कि सर
जो हृदय की पहली आवाज आती है, लब, जिसको हम बोलते हैं लब डब, यही दो आवाजें होती है, ठीक है, वो कपाटों के खुलने पे आती है या बंद होने पे आती है, किसने पूछा हुआ है? ठीक है, तो याद रख लेना, जब भी आवाज आएगी, आवाज कब आएगी, जब कोई चीज टकराती है तब आवाज करती है ना, आवाज आई ना, ठीक है, क्या तुम्हें आवाज आई? नहीं आई, बट जब मैं मुट्ठी बंद करता हूं आवाज आई? आई, ठीक है, तो किसी चीज के टकराने से आवाज आती है, तो जब जब कपाट बंद होते हैं तब आवाजें आती है, खुलने से कभी भी आवाजें नहीं आती है, क्लियर है? तो लब भी आपके बंद होने पे आती है और डब भी आपके बंद होने पे आती है, बस ये है कि कपाट अलग अलग टाइप के बंद होते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो नाउ, अब अगर किसी को मलेरिया हो जाए, ठीक है, अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो क्या साइन और सिम्टम दिखते हैं? ठीक है, संकेत एवं लक्षण, ठीक है, तो टीवी पे ऐड आता था, दूरदर्शन चलाता था, जाड़ा लग के आए बुखार तो समझो मलेरिया का है प्रहार, ठीक है, तो जाड़ा लग के आए बुखार, ठीक है, तो जाड़ा बुखार तो समझो मलेरिया का है प्रहार, ठीक है, कपकपी शिवरिंग और उल्टी वॉमिटिंग, सिरदर्द है इसकी निशानियां, ठीक है, दैट इज हेडेक, और डॉक्टरी इलाज से पूर्ण होगी सारी परेशानियां, ठीक है, तो जाड़ा लगना, बुखार लगना, ठीक है, फिर कपकपी छूटना, फिर उल्टी आना, सरदर्द, ये सारे के सारे आपके साइन एंड सिम्टम है, ठीक है, क्या प्रिकॉशन ले हम इससे बचने के लिए? ठीक है, क्या प्रिकॉशन ले? तो आप सभी को पता है, ठीक है, कवर वाटर बॉडीज, जल निकाय को ढक के रखे, जल निकाय ढके, ठीक है, मॉस्किटो नेट यूज करें हो सके तो सोते टाइम, ठीक है, दैट इज मच्छरों से बचाने वाला जाला, ठीक है, फिर मच्छरदानी, वेरी गुड, ठीक है, इसके अलावा क्या करें? ठीक है, एड केरोसिन ऑन वाटर, ऑन वाटर बॉडीज, ठीक है, अगर आप जल निकाय को ढक नहीं पा रहे तो उसमें मिट्टी का तेल मिला दे, जल निकाय में मिट्टी का तेल मिला दे, अब इससे क्या होता है, मिट्टी का तेल आपका हल्का होता है तो ये आपका पानी के ऊपर तैरने लगता है, तो जो इसके अंदर अंडे और इल्ली होती है उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो मच्छर में नहीं बदल पाता, या फिर आप एक मछली पाल ले, गंबूजिया, और जब एनिमल चैप्टर हमने पढ़ा था
तब मैंने आपको गैम्बूजिया का उपयोग भी बताया था कि ये मछली याद करे, ये आपका क्या करते है? मच्छर के अंडे में इल्ली खा जाती है, क्लियर। अब किसने बताया था कि आपका मलेरिया में सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है, मलेरिया में अफेक्टेड ऑर्गन? ठीक है, तो एक तो होता है आपका लिवर, यकृत, ठीक है, और एक होती है आपकी स्प्लीन, प्लीहा, ठीक है। किसने आपका बताया था कि मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है? तो 20 अगस्त 1897 को, ठीक है, रोनाल्ड रॉस द्वारा पुष्टि की मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है। ठीक है, 1902 में, ठीक है, इन्हें क्या मिला? नोबेल मिला, ठीक है, और 1905 में मलेरिया से चटक गए। क्लियर है? प्रोटोजोआ परजीव के बारे में किसने बताया कि ये प्लाज्मोडियम नाम का परजीव मलेरिया करता है? ये अल्फोंसो लावर्ग, चार्ल्स अल्फोंसो लावर्ग। ये क्या हुआ, जो नाम दिया वो प्राण ले लिया, हाँ जी, जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे उन्हीं से इसकी मौत हुई। क्लियर है? इज दैट क्लियर, सभी को क्लियर है? चल ठीक है, राजपुर वाले चाचा की शादी। तुम खुद बताओ इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बनेंगे? अल्फोंसो कौन थे? चार्ल्स अल्फोंसो लावरिन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपका परजीव, जिन्होंने आपका परजीव के बारे में बताया था, मतलब आपका प्लाज्मोडियम के बारे में बताया था, ठीक है, बट इससे पहले वो ये नहीं बता पाए थे कि ये परजीव आप तक आता कैसा है। सब लोग ये मानते थे कि आपकी जो मलेरिया है वो एक माइज्मा डिजीज है। माइज्मा डिजीज मतलब जो हवा, दूषित हवाओं से फैलती है, मतलब ऊपरी जादू टोना है एक तरीके से पुराने टाइम में। बाद में 20 अगस्त 1897 को, ठीक है, मच्छर के पेट में झांका इन्होंने और वहां इन्होंने पाया कि मलेरिया मच्छर से काटने से फैलता है। क्लियर है? तो राजपुर में चाचा की शादी है, इससे आपको कैसे क्वेश्चन आएगा ब्लड रिलेशन टाइप के, कि उसकी तरफ उंगली करते हुए मैंने बोला वो हमारे मामा की बेटी है, ठीक है, मामा की बेटी का,
ठीक है, क्या है, पति है तो तुम्हारा क्या रिश्ता होगा, तो ये तुम कर सकते हो ना, रीजनिंग वाले ब्लड रिलेशन किया होगा, मामा की बेटी का पति तुम्हारा जीजा लगेगा, है पक्का। चलो दूसरा आपका चैप्टर है तरह तरह के बिजनेस, तो इसमें आपका ये बताया गया कि क्या बोलते हैं, किसान क्या करता है, लोहार क्या करता है, सुनार क्या करता है, डॉक्टर क्या करते हैं, ये हो गया है। तो क्या करे बेटा, रिपीटेटिव है तुम्हारी, कईयों सारे चैप्टर ऐसे हैं जो रिपीट किए गए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट थिंग इज, फिर तीसरा चैप्टर है आवास, एकोमोडेशंस, ठीक है। आवास इस चैप्टर में ये बताया गया है कि गांव और घर के मकान, मतलब शहर में क्या अंतर है। भाई गांव में आपको चौड़ी चौड़ी रोड नहीं देखने को मिलेगी, शहर में आपको देखने को मिलेगी। गांव में मॉल वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, शहर में आपको देखने को मिलेंगे। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, गांव में नहीं होंगी, ठीक है। गांव में आपको ट्यूबवेल देखने को मिलेगा, शहर में नहीं देखने को मिलेगा। गांव में शुद्ध हवा शुद्ध पानी मिलेगा, शहर में नहीं मिलेगा। तो इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, आप वो भी कर लोगे, है ना। ठीक है, फिर है आपकी रामू काका की दुकान, जो रामू काका है वो बेसिकली एक कारपेंटर है, बड़ाई है, ठीक है। तो बड़ाई की दुकान पे क्या क्या औजार मिलते हैं, आरी मिलते हैं, ठीक है, खुरचन मिलता है, वो पेचकस मिलता है, हथौड़ी मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई गई है, ठीक है, ये भी कर लोगे, कर लोगे कि नहीं। ठीक है, फिर है आओ सर्वे करें, ठीक है। आओ सर्वे करें, सर्वे क्या होता है, मतलब जब दो तीन आदमी, ठीक है, डाटा कलेक्शन के लिए, ये डाटा किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, ये हो सकता है आपका जनगणना के लिए हो, ठीक है, ये हो सकता है लिंग अनुपात के लिए हो, ये हो सकता है जनसंख्या के लिए हो, ये हो सकता है आपका, ठीक है, घर में कितने सदस्य है उसके लिए हो, कितना बड़ा परिवार है उसके लिए हो, ठीक है। ये हो सकता है आपका घर में कितनी गाड़ियां हैं उसके लिए हो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज बताई गई है, कर लोगे। साक्षरता, वेरी गुड, किसी भी चीज के लिए होता है। चलो फिर अगला चैप्टर है हमारा जंगल, हमारा जंगल। इस चैप्टर में बेसिकली ठीक है, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर और डोमेस्टिक एनिमल के बारे में बताया गया है, घरेलू जानवर के बारे में बताया गया। तो ये भी खुद से लिस्ट तैयार कर सकते हो, कौन सा पाला जा सकता है, कौन सा पाला नहीं जा सकता।
ठीक है चलो, अब इस चैप्टर में ठीक है बेसिकली एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो आप सभी को पता है वाल्मीकि नेशनल पार्क ठीक है कहां पे है? बिहार में। ठीक है, कौन से जिले के पास है? ठीक है, जानवर पालने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, वाइल्ड एनिमल पालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, कौन से जिले के पास है? पश्चिमी चंपारण, वेरी गुड। ठीक है, तो वेस्ट चंपारण पश्चिमी चंपारण के पास है। ठीक है, 1990 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, 1990 में आपका इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और आपका ठीक है ये टाइगर रिजर्व बना, कौन सा वा 18वां टाइगर रिजर्व बना ये आपका भारत का। ठीक है, कब बनाया गया टाइगर रिजर्व? ठीक है, कब बनाया गया टाइगर रिजर्व? ठीक है, तो 1994 में ये आपका टाइगर रिजर्व बनाया गया, 18वां टाइगर रिजर्व। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, फिर इसी चैप्टर में एक जगह के बारे में बताया गया, ये धरहरा। ठीक है, यहां बेटी के पैदा होने पे दस पेड़ लगाते हैं, और एक है पिपलांत्री। ठीक है, यहां बेटी के पैदा होने पे एक 111 पेड़ लगाते हैं। ठीक है, तो यहां बेटी के पैदा होने पे ठीक है 10 पेड़ लगाए जाते हैं धरहरा में, और एक राजस्थान में पिपलांत्री, यहाँ पे आपका बेटी के पैदा होने पे 111 पेड़ लगाते हैं। क्लियर है? सर जी यहाँ बेटी बहुत कम रखते हैं। सर दोनों बिहार में है ना? नहीं, धरहरा बिहार में है, ये राजस्थान में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट थिंग इज, अगला चैप्टर कौन सा था?
अगला चैप्टर कौन सा भाई? सूर्य का एक कॉमन एक, सूर्य एक कॉमन एक। देखिए सबसे पहली चीज, सूर्य आपका सन क्या है? एक तारा है, ठीक है, याद रखिएगा सूर्य एक तारा है, ठीक है। सन के क्लोजेस्ट जो स्टार है, ठीक है, सबसे नजदीक तारा जो है, सूरज के सबसे नजदीक तारा जो है वो है आपका अल्फा प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अल्फा प्रोक्सिमा सेंचुरी कितना दूर है सूरज से? 4.3 प्रकाश वर्ष, 4.3 प्रकाश वर्ष का मतलब जब लाइट आपकी 4 साल 3 महीने में जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगी, ठीक है, उतनी दूर पे आपका अल्फा प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम का तारा है। सर क्यों लगाते हैं पेड़? ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तुम लड्डू पेड़े बांटती होगी, घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए वो पेड़ लगा देते एज अ ट्रिब्यूट टू नेचर, पेड़ लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे नजदीक तारा, ठीक है, आपका कौन सा? अल्फा प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा हमारे सौरमंडल में ये है आपका, इसको हम डॉग स्टार बोलते, ठीक है, या फिर इसका नाम है क्या, सीरियस, ठीक है। तो डॉग स्टार अथवा सीरियस, शुक्र तारा नहीं है, बोल दे तो तारा शुक्र तुम्हारा ग्रह है जो कि तारे जैसा चमक रहा है। रियलिटी में सबसे चमकीला तारा कौन है? डॉग स्टार या फिर आप सीरियस। क्लियर है? अब सूरज की किरणों को, सन रेस को, धरती तक पहुंचने में, ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। फिर कुछ चीजें होती है जिनको हम बोलते हैं इक्लिप्स, ग्रहण, ठीक है। कोई भी ग्रहण हो, सूर्य हमेशा पहले नंबर पर रहेगा, ठीक है, मून, अर्थ। तो सूरज की रोशनी अर्थ तक नहीं पहुंच रही है, ये लग गया आपका क्या, सूर्य ग्रहण, सोलार इक्लिप्स, ठीक है। कोई भी ग्रह हो हमेशा कौन रहेगा पहले नंबर पे? सन, अर्थ, मून। तो सूरज की रोशनी चांद पे नहीं पहुंच रही, ये लग गया आपका क्या, चंद्र ग्रहण, ठीक है, लूनार इक्लिप्स। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि सूर्य जो है इसकी ऊर्जा को ट्रैप करके हम क्या बना सकते हैं, मतलब सोलर कुकर वगैरह बना सकते हैं। आप लोगों ने बनाया भी होगा, साइंस में मॉडल होता है सोलर कुकर, सौर कुकर बोलते हैं जिसे, ठीक है।
तो अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, धरती पे सबसे ज्यादा, ठीक है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा देश कर रहा है धरती पे? सर एक बार और बोलिए तो, ठीक है, इक्लिप्स कोई सा भी हो, सन पहले नंबर पे रहेगा क्योंकि सन की पोजीशन कांस्टेंट है, सन हिलता डुलता नहीं है। तो जब धरती पे सूर्य की नहीं आ पाती किरणें, बीच में मून होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सोलार इक्लिप्स। जब धरती पे आपका बेसिकली धरती बीच में आ जाती है किस पे, चंद्रमा और सूरज के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा देश कर रहा है? सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का यूज, ठीक है, सोलर एनर्जी का यूज कौन सा देश कर रहा है, जल्दी बताओ। चीन, वेरी गुड। दूसरे नंबर पे भारत, भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है? भारत में, ठीक है, सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य कर रहा है? वेरी गुड, राजस्थान। बाकी अगर इससे एडवांस क्वेश्चन बनाना हो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो एक चीज पूछी जाएगी आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर संघ, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना 2015 में हुई फ्रांस में अंडर द कमांड ऑफ पीएम मोदी एंड फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर होलांड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय बनाया गया है कहां? गुरुग्राम में। बीपीएससी की प्राइमरी क्लास है, हाँ जी। ठीक है, तो इसकी स्थापना किया गया है कहां पे? गुरुग्राम, हरियाणा में। क्लियर है? क्लियर है, चलो। तो दैट इज आईएसए। नेक्स्ट चैप्टर इज कौन सा है? पानी और हम, ठीक है, पानी और हम। देखिए, पानी के बारे में अपन सारी चीज पढ़ चुके हैं बेसिकली। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि पानी कईयों बार, ठीक है, क्या हो जाता है, अपना रौद्र रूप ले लेता है। तो रौद्र रूप ले लेता है तो ये बाढ़ जैसी आपदाओं को कॉज करता है, ठीक है। बाढ़ आपका, ठीक है, बेसिकली जब नदी का बहाव तेज हो जाता है, ठीक है, तो ये आपकी क्या ला देती है? बाढ़ ला देती है। और आपके बाढ़ के कई कारण हो सकते हैं, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर मेन चीज जो बताई गई है, ठीक है, वो बताया गया है बिहार का शोक, सभी को पता है। और बिहार का शोक पता है तो आपको बंगाल का शोक भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेरी गुड, ठीक है, दैट इज कोसी नदी, ठीक है, और बंगाल का शोक, वेरी गुड, दामोदर नदी, ठीक है। तो कोसी नदी आपकी क्या है? बिहार का शोक है, ठीक है, और बंगाल का शोक है आपकी क्या? दामोदर नदी, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है,
शोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अक्सर कार बारिश के सीजन में, मानसून, जैसे अभी मानसूनी सीजन चल रहा है, बारिश का सीजन चल रहा है, बाढ़ आती है और बाढ़ की वजह से कईयों सारी प्रॉपर्टीज, कईयों सारे फसलें वगैरह ये बर्बाद हो जाती है, इसलिए इसको हम शोक बोलते हैं। सर जी एससीईआरटी बिहार बीपीएससी में धर्म स्थल के नहीं है क्या? मतलब ठीक है, तो कब आई थी बाढ़, सबसे भयंकर बाढ़ इसमें कब आई थी? ठीक है, सबसे भयंकर बाढ़ कब आई थी कोसी नदी में? जल्दी बताएं। उन्नीस सौ चौरानवे में? नहीं, सबसे भयंकर बाढ़ जो आई थी वो आई थी 18 अगस्त 2008 में। क्लियर है? तो आपकी एससीईआरटी की किताब में बताया गया है। ठीक है, इस बाढ़ से बेसिकली आपका काफी सारा नुकसान हुआ। ठीक है, कितना नुकसान बताया गया है कि 500 तो चटक गए। ठीक है, 500 लोग तो मर गए, फिर कितना नुकसान और बताया कि 2,36,632 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई, फसल बर्बाद हुई। ठीक है, और आपका 3,00,000 से ज्यादा घर गिर गए। तो ये आपकी एससीईआरटी में डाटा दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज सर इन सब के बाद अपनी तरफ से कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ा देना, क्या पीएचडी करवा दूं तुम लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज मान गए लोहा। तो इस वाले चैप्टर में भी वही सारी चीज बताई गई है। ठीक है, जो कि बेसिकली विकलांग लोग फेमस मतलब विकलांग लोग आपका फेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपका ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें भी आपका बेसिकली क्या बताया गया है कि किस तरह से अंधे लोग बात करते, मतलब कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से आपका क्या बोलते हैं, ब्रेल ने आपकी लिपि खोजी थी, बताने जरा ब्रेल की इंफॉर्मेशन क्या क्या है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। हेड आउट होते हैं, वेरी गुड। और ट्रेसर्ड कैरेक्टर 15 साल की रेंज, वेरी गुड। ठीक है, आखिरी चीज जो इस चैप्टर में बताई गई है, ठीक है, वो है विश्व विकलांगता दिवस। ठीक है, दैट इज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे।
ठीक है, तो विश्व विकलांग दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए टोटल आपके अब 11 चैप्टर और रह गए जो कल हो जाएंगे, ठीक है, और कल में आपकी SCERT खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? सर जी पेंटिंग पढ़ा दीजिएगा जी। चलो तो टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।